नमस्कार, मैं डॉक्टर रोजी शाह, सहाचार्य समाजशास्त्र, बीजीटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा जयपुर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में नगरीय समाजशास्त्र के महत्व और भारत में नगरीय समाजशास्त्र के महत्व को समझेंगे। नगरीय समाजशास्त्र का महत्व, जैसे जैसे नगरीय समाजशास्त्र का विकास होता जा रहा है, उसके अध्ययन क्षेत्र का विस्तार होने के साथ उसके महत्व में भी वृद्धि होती जा रही है। विभिन्न समाजों में नगरीय समाजशास्त्र के महत्व को समझा जा सकता है। विकसित देशों में आज नगरीय समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन तथा नगर नियोजन के लिए नगरीय समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विज्ञान के रूप में देखा जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के महत्व को समाजशास्त्रीय एवं भारतीय समाज के संदर्भ में हम कुछ आधारों पर रखकर देख सकते हैं। अवधारणाओं के विकास में सहायक समाजशास्त्र के द्वारा पहले नगर को क्षेत्र अथवा जनसंख्या के आधार पर स्पष्ट न करके संरचनात्मक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया। नगरीय समाजशास्त्र का प्रमुख योगदान महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे नगर, नगरीय समुदाय, नगरीयता, नगरीकरण, नगरीय पारिस्थितिकी तथा नगर नियोजन आदि हैं। उदाहरण के रूप में नगरीय समुदाय एक ऐसी अवधारणा है जिसे समझे बिना नगर की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। इस विज्ञान के द्वारा ये स्पष्ट हुआ कि नगरीकरण का तात्पर्य केवल नगर के क्षेत्र का विस्तार होना ही नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में नगरीय मनोवृत्तियों का प्रसार होना है। इसी प्रकार नगर नियोजन की अवधारणा से नियोजनकर्ताओं को नगर के विकास की सही दिशा मिल सकी। पारिस्थितिकी की अवधारणा पहले जीव विज्ञान तक ही सीमित थी, उसे नगरीय परिस्थितियों के संदर्भ में स्पष्ट करने से नगरीय पर्यावरण के प्रभावों को समझना सरल हो गया। वास्तव में ये सभी नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, इनकी सहायता से नगरीय समुदायों को दूसरे समुदायों की तुलना में समझना संभव हो सका है। शैक्षिक महत्व, नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाज और उनकी संस्कृति, सामाजिक संबंधों, राजनीति, धर्म, अर्थ की आदि की सूचनाएं प्रदान करता है। इसके द्वारा सभी को नगरीय समाज के संबंध में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। नगरवासियों को अपने समाजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति शिक्षा प्रदान करके उनमें जागरूकता पैदा की जाती है। नगरीय समाजशास्त्र सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों ही क्षेत्रों में नवीन ज्ञान में वृद्धि करके शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नगरीय समाजशास्त्र उन सभी लोगों के लिए एक उपयोगी विषय है जो नगरीय प्रशासन, नगरीय व्यवस्था तथा नगर सुधार से संबंधित हैं। यही कारण है कि अब लगभग सभी विश्वविद्यालयों में नगरीय समाजशास्त्र के लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने लगे हैं। नगर नियोजन में सहायक नगरीय समाजशास्त्रीय नगरीय विकास की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ये ज्ञात करते हैं कि भविष्य में नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा इसके लिए कितने अतिरिक्त आवासों और सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इसी के आधार पर नगर के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है।
नगर नियोजन के विशेषज्ञ नगरीय समाजशास्त्र के ज्ञान की सहायता से इस तरह की व्यवस्था करते हैं जिससे भीड़ भरे क्षेत्रों से लोगों को हटाकर दूसरे स्थानों को उनकी गतिविधियों का केंद्र बनाया जा सके। इसका तात्पर्य है कि नगरीय जीवन में सुधार लाने तथा उसे एक स्वस्थ रूप देने में नगरीय समाजशास्त्र का अपना अलग महत्व है। नगरीय समाजशास्त्र का एक मुख्य कार्य विभिन्न समस्याओं के कारणों के आधार पर ऐसे सिद्धांत और कार्यक्रम प्रस्तुत करना है जिनकी सहायता से नगरों के विकास को नियोजित रूप दिया जा सके। समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान में सहायक नगरीय समाजशास्त्र द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर समाज सुधारक, योजनाकार नगरीय समाजों के समुचित विकास के लिए दिशा निर्देश निश्चित करते हैं। नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा किए गए समस्याओं के अध्ययन के आधार पर ही नगरीय समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। जैसे भारत तथा अन्य देशों में प्रमुख नागरिक समस्याएं हैं बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, निर्धनता, प्रदूषण की समस्याएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन आदि की समस्याएं, और इन समस्याओं का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है तथा समाधान किए जाते हैं। संक्षेप में नगरीय समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से नगरीय जीवन से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव हो सका। इसी संदर्भ में F.L. हाउस लिखते हैं कि अमेरिका में नगरीय समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में विकसित किया जाने लगा जिसका मुख्य कार्य नगरीय जीवन की समस्याओं का विश्लेषण उनके कारणों और प्रभाव के संदर्भ में करना था। नगरीय समाजशास्त्र के विकास के फलस्वरूप सरकार और नियोजनकर्ताओं का ध्यान उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं की ओर जाना शुरू हुआ और इसी के फलस्वरूप श्रम कल्याण से संबंधित अधिनियमों को पास करना सभी सरकारें अपने नैतिक दायित्व के रूप में देखने लगीं। स्पष्ट है कि नगरीय समस्याओं के अध्ययन में ज्ञान की इस शाखा का अपना विशेष योगदान है। जैसे जैसे विगत वर्षों में विकास योजनाओं का महत्व बढ़ा वैसे वैसे इनका व्यावसायिक महत्व भी बढ़ता चला गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, पंचायती राज, जनजातीय कल्याण, समाज कल्याण आदि में नगरीय समाजशास्त्रियों को विशेष महत्व दिया जाने लगा। समाजशास्त्र के ज्ञान का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रयोग की महत्वता के कारण इन विषयों में प्राप्त डिग्रीधारियों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे योजना एवं विकास कार्यक्रमों में योजना एवं विकास कार्यक्रमों से संबंधित योजना आयोग में क्षेत्रीय योजना विभाग, नगर योजना संस्थाओं, समाज सुरक्षा योजनाओं, नगर विकास आदि में नौकरियों में इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार नगरीय समाजशास्त्रियों को अनुसंधान के क्षेत्रों जैसे सरकारी अनुसंधान विभाग,
अनुसंधान शालाओं, सामाजिक विज्ञान संस्थाओं की नगरीय परियोजनाओं में समाजशास्त्र में विशिष्ट प्रशिक्षित लोग अधिक उपयुक्त होने के कारण उन्हें वहाँ व्यवसाय मिल जाते हैं। इसी प्रकार कल्याण एवं सेवा कार्यक्रमों में भी जैसे वन्य जाति कल्याण विभाग, कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगरीय श्रमिकों के कल्याण विभागों में उन्हें विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है जो नगरीय समाजशास्त्री हैं। शिक्षा जगत में जैसे समाज शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा, नगरीय अध्यापक एवं शिक्षण संस्थाओं में नगरीय समाजशास्त्रियों को नियुक्त किया जाता है। विभिन्न विभागों में नगरीय समाजशास्त्री अधिकारी और उपअधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये प्रमुख विभाग इस प्रकार हैं: प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण संबंधी संस्थान, पंचायत विभाग, पंचायत निरीक्षक, पंचायत समिति, न्याय पंचायत, सहकारिता विभाग, काम दिलाओ कार्यक्रम अधिकारी, ग्रामीण नगरीय अपराधियों के सुधार विभाग में प्रोबेशन एवं पैरोल अधिकारी, ग्रामीण नगरीय परिवार नियोजन विभाग में जनसंपर्क विभाग, प्रचार विभाग आदि में नागरिक समाजशास्त्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। नगरीय पर्यावरण का ज्ञान। नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा ही नगर की उन आधारभूत विशेषताओं को समझा जा सकता है जो नगर के लोगों के पारस्परिक संबंधों और अंत्यक्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण करती हैं। नगर के विभिन्नता युक्त पर्यावरण में व्यक्तिवादिता, हित प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विषमता, गतिशीलता, तार्किकता, प्रदर्शनवाद, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके संदर्भ में नगरीय सामाजिक आर्थिक संरचना को समझा जा सकता है। इन प्रक्रियाओं के प्रभाव में भी वृद्धि होती दिखाई देती है। इसी आधार पर छोटे और बड़े नगरों के विवेक को भी समझा जा सकता है। यही वह आधार है जिसकी सहायता से एक विशेष श्रेणी के नगर के जीवन को अधिक संतुलित और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इन विशेषताओं को समझे बिना नगरों के जीवन में सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। आधुनिकीकरण में सहायक। वर्तमान नगरों की सबसे मुख्य विशेषता परंपरागत जीवन को छोड़कर आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ना है, जिस प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। इसका संबंध भी आधुनिकीकरण से संबंधित व्यवहार के तरीकों को अपनाना है। नगरीय समाजशास्त्र के ज्ञान से ये स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण का तात्पर्य वेशभूषा, खानपान या रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन होना नहीं है। वास्तव में आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग नए विचारों और व्यवहार के नए तरीकों को स्वीकार करने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि नगर की सामाजिक संरचना को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझे बिना नहीं समझा जा सकता। नगरीय समाजशास्त्र
इन सभी दशाओं के प्रभावों को स्पष्ट करके नगरीय पर्यावरण को समझने में हमारी सहायता करता है। समाजशास्त्रीय महत्व। ग्रामीण समाजशास्त्र सरल, छोटे, सादा समाजों का अध्ययन करता है, जिनका उपयोग समाजशास्त्र वृहद और जटिल समाजों को समझने में करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र समाज संस्कृति तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रारंभिक रूपों को समझने, उनकी उत्पत्ति और विकास के अध्ययनों में समाजशास्त्र को सहायता करता है और सहायता लेता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर पहले सरल समाजों को ग्रामों के रूप में समझ लिया जाए तो जटिल तथा जटिलतम जैसे नगरों और महानगरों को समझना सरल हो जाता है। इसी कारण समाज की जटिल संरचना, संगठन, कार्य व्यवस्था आदि को समझने से पहले ग्रामीण समाजशास्त्र समाजों के सरलतम रूप, संरचना एवं संगठन आदि का ज्ञान नगरीय समाजशास्त्र को आधार रूप में प्रदान करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र स्वाभाविक एवं सरल समाजों का अध्ययन करता है। इसके अध्ययन वास्तविक, यथार्थ, विश्वसनीय होते हैं। इन अध्ययनों का उपयोग समाजशास्त्र के ज्ञान के विकास में करता है। समाजशास्त्र में अनेक अवधारणाएं एवं सिद्धांतों का निर्माण समाजों के अध्ययन के आधार पर किया गया तथा उनके द्वारा समाजशास्त्र के ज्ञान में वृद्धि हुई है। ये अवधारणाएं और सिद्धांत हैं नगरीकरण, संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकरण आदि। नगरीय समाजशास्त्र का महत्व समाजशास्त्र में अनेक प्रकार से है। समाजशास्त्र का क्षेत्र का विस्तार नगरीय समाजों के अध्ययनों के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक हुआ है। पहले जब नगरीय समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित नहीं हुआ था, उस समय समाजशास्त्र ही इन समाजों का अध्ययन करता था। प्रारंभ में समाजशास्त्र में ही समाजों से संबंधित अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया गया था तथा भारत तथा अन्य देशों में जब नगरीय समाजशास्त्र का विकास नहीं हुआ था, उस समय समाजशास्त्र के द्वारा इन विभिन्न समाजों का अध्ययन हुआ। आज नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाजों से संबंधित सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अनेक सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच नगरीय क्षेत्रों में नगरीय समाजशास्त्र करता है। भारत में नगरीय समाजशास्त्र का महत्व। भारत में सन 1919 में सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। नगरीय समाजशास्त्र के विशेषज्ञ डॉक्टर पैट्रिक गिडिक्स को ही समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया। वह एक नगर नियोजक थे। आपने भारत में नगरीय विकास की प्रवृत्तियां तथा नगर नियोजन के बारे में महत्वपूर्ण लेख लिखे थे। स्वतंत्रता के समय भारत में नगरीय जनसंख्या लगभग 6 करोड़ थी। वही 2011 में नगरों की जनसंख्या बढ़कर 37 करोड़ से भी अधिक हो गई, अर्थात 4 गुना से भी अधिक की वृद्धि इस जनसंख्या में हो गई। जिस देश में नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर इतनी अधिक हो, वहाँ नगरीय समाजशास्त्र के महत्व का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। 2011 की
जनगणना के अनुसार इस समय भारत में 46 ऐसे नगर हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। अकेले मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में से प्रत्येक नगर की जनसंख्या इतनी अधिक है जो अनेक देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। नगरों के बढ़ते हुए आकार के अनुरूप यदि उनमें नगर नियोजन के कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया तो कुछ ही समय में नगरीय संरचना पूरी तरह विघटित हो सकती है। ये कार्य नगरीय समाजशास्त्र का है कि वह नगरों के विकास की भावी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नगर नियोजन में रचनात्मक योगदान करे। नगरीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के साथ नगरीय समस्याओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। आज कोई भी बड़ा नगर ऐसा नहीं है जिसमें जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गंदी बस्तियों में निवास ना करता हो और इन बस्तियों में अनेक समस्याएं व्याप्त हैं। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि ये बस्तियां विभिन्न प्रकार के अपराधों का केंद्र बन जाती हैं। रोजगार की तलाश में गाँव से नगरों की ओर आने वाले लोग आर्थिक साधनों के अभाव में इन बस्तियों में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होते हैं तथा गाँव में वापस जाने पर वे यहाँ की बीमारियों को अपने साथ गाँव ले जाते हैं और वहाँ संक्रमण फैलाते हैं। ये दायित्व नगरीय समाजशास्त्रियों का है कि इन बस्तियों की समस्याओं को ज्ञात करके आवास की दशाओं को स्वस्थ रूप दिया जाए। नगरीय समस्याएं बढ़ने के बाद भी यहाँ सार्वजनिक सेवाओं की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी। नगरीय समाजशास्त्र की सहायता से ऐसे क्षेत्रों का समुचित अध्ययन करके वहाँ व्यवहारिक विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है। ये भी एक सामान्य बात है कि जब तक हम किसी समुदाय की जीवन पद्धति और परिवर्तन से संबंधित प्रक्रियाओं को नहीं समझते तब तक उसके जीवन को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता। इस क्षेत्र में नगरीय समाजशास्त्र का विशेष योगदान हो सकता है। भविष्य में नगरीय जनसंख्या में और अधिक वृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी। इस दशा में नगरीय समाजशास्त्र के ज्ञान तथा इसके अध्ययन पद्धतियों की सहायता से ही भविष्य में होने वाली समस्याओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।